हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है कॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सेकंड क्लास। जी हां दोस्तों, आज की सेकंड क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे टफेस्ट क्लास, क्योंकि बच्चों को ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगता है और वो टॉपिक है हेनरी फाइव के वो 14 प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये 14 प्रिंसिपल्स याद करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है बच्चों के लिए और उसको एग्जाम तक याद रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों आपकी इस प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है कि आपको ये 14 प्रिंसिपल्स आपकी टिप्स पे याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये 14 प्रिंसिपल्स आप कैसे याद करोगे, इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है। पहले निमोनिक की बात करते हैं, फिर हम उन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे, वो 14 के 14 प्रिंसिपल्स हम फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन निमोनिक क्या है हेनरी फाइव के वो 14 प्रिंसिपल्स का, वो हम एक बार देख लेते हैं। वो निमोनिक है, ये देखो मैंने लिखा हुआ लर्निंग ट्रिक्स। डीडीए ने एसएससी को सीसीडी की रसोई में पकड़ा। क्या ट्रिक है ये? डीडीए ने एसएससी नाम मान लो, वैसे तो ये एग्जाम होता है बट एसएससी थोड़ी देर के लिए कोई लड़का मान लो कि चोर है ये, ठीक है। डीडीए एक पुलिस है, अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं डीडीए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डीडीए ने एसएससी को सीसीडी कैफे कॉफी डे की रसोई में पकड़ा। क्या करा था रसोई में हमें भी नहीं पता, हमें तो सिर्फ ट्रिक ही तो जाननी है। अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको 14 प्रिंसिपल्स याद रखने में बहुत ही आसानी मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बेकार के हैं, जो मैंने जानबूझ के इंसर्ट किया ताकि फ्रीक्वेंट एक फ्रीक्वेंसी आ जाए बोलने में, ठीक है। चलो बताता हूं मैं आपको, जो ये डीडीए है ना, उसमें जो पहला वाला डी है ये डिवाइड, ये डिनोट करता है डिविजन ऑफ वर्क को, ठीक है। इसका सेकंड वाला डी डिसिप्लिन को, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एस स्केल ऑफ चेन को, एस स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को, सी कमांड, कमांड बोले तो यूनिटी ऑफ कमांड। जो सीसी है ना, ये देख रहे हो सीसी, सीसी का मतलब है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक ही सी है ये, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डी का मतलब है डायरेक्शन, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके रसोई आर, आर रिप्रेजेंट करता है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय को, ए का यहाँ कोई मतलब नहीं, ये जो ए आप देख रहे हो ना इसका कोई मतलब नहीं है, मैं थोड़ी देर में इसको क्रॉस कर देता हूं कि इस ए का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है एस, एस फॉर सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ओ, ओ इज फॉर ऑर्डर, आई, आई फॉर इनिशिएटिव, ई इक्विटी, सेकंड ई एस्पिरिट डी कॉर्प्स। दोस्तों इस तरीके से आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल लर्न हो जाएंगे इजली। बात अब ये उठती है कि 14 प्रिंसिपल एक बार समझा भी तो दो, तो चलो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये याद ना हो तो इसको बार 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 रिकॉल करो, जरूर याद हो जाएगा। क्या याद करना है बताओ? डीडीए ने एसएससी को सीसीडी की रसोई में पकड़ा, राइट दोस्तों। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। दोस्तों डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को टुकड़ों में बांट देना, क्योंकि जब हम काम को टुकड़ों में बांटते हैं तो इससे जो काम है वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है और जिस पर्सन को एक काम बार 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 मिल रहा है वो उस काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को एक ऑर्डर मिला है कि वो 100 चेयर्स बनाए। दोस्तों उस 100 चेयर्स को बनाने के लिए उसके पास 5 वर्कर्स है, वो ये नहीं बोलेगा कि 5 वर्कर तुम 100 टेबलें बनाओ, मतलब 5 वर्कर मिलकर 20-20 टेबलें बनाएंगे तो 100 टेबल बन जाएंगे, वो ऐसा नहीं करेगा। उसे क्या करना चाहिए कि जो टेबल का बेस है वो बनाने के लिए लकड़ी की कटिंग के लिए एम्प्लॉई ए को रखे, एम्प्लॉई बी उस कटिंग को जोड़ने का असेंबलिंग का काम करेगा, उसमें नट बोल्ट लगा के उसको कसेगा, थर्ड एम्प्लॉई उस पर फिनिशिंग का काम करेगा लाइक पेंट करेगा, फोर्थ एम्प्लॉई उसकी पैकेजिंग करेगा और फिफ्थ एम्प्लॉई उसकी डिस्पैचिंग करेगा। दोस्तों इस तरीके से काम को बांट देने से जब एक एम्प्लॉय एक ही काम को बार 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 करता है तो ऐसे उसके काम में परफेक्शन आ जाती है, कम टाइम में वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसीलिए कहा जाता है हेनरी फाइव के फर्स्ट प्रिंसिपल में बोला गया है कि काम को टुकड़ों में बांट दो, जिससे काम इजी हो जाएगा और हर इंसान अपने काम में क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। नंबर टू, डिसिप्लिन। दोस्तों काम को करते टाइम एक डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है कि काम को तरीके से किया जा सके, एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा और कैसे करेगा, ये सारे कहलाते हैं डिसिप्लिन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों अथॉरिटी का मतलब है कि आपको कितनी
राइट्स है, कितना राइट्स आपको दिए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके अगेंस्ट में। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होने चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए अथॉरिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और अथॉरिटी ज्यादा है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से हम बात को समझते हैं। मुझे मेरी क्लास में बोला गया था कि तुम्हें सेक्शन ए के बच्चों को संभालना है, और कोई ना संभाले तो खींच के रख देना, चार्टे चेक कर देना ऑन द स्पॉट। मुझे क्या मिली है, अथॉरिटी मिली है, मुझे ये राइट मिल गया कि उन सेक्शन ए के बच्चों को मैं मार पीट सकता हूं अगर वो शांत नहीं होते तो, मेरी अथॉरिटी है। और कोई टीचर आया, वो बोल रहा है कि सेक्शन ए और सेक्शन ए शांत है, सेक्शन बी क्यों शोर मचा रही है, क्या करो तुम यहां खड़े हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर सॉरी, मेरी अथॉरिटी सेक्शन ए के लिए थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अगेंस्ट बनेगी, सेक्शन ए। अगर इनमें से कोई बोलता है तो आप मुझे बोल सकते हो सेक्शन ए में से। तो यानी जितनी अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होनी चाहिए, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती है। तो एक कंपनी के अंदर मैनेजर को जितनी अथॉरिटी दी है वो उतने ही काम के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, स्केलर चेन। दोस्तों स्केलर चेन एक ऐसा पड़ाव होता है जहां हम अपनी बात को अगर पहुंचाना चाहते हैं तो एक सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ती है, उस सीक्वेंस से ही हम बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्केलर चेन बना के दिखाता हूं, समथिंग लाइक दिस, ए बी सी और डी, फिर आया ई एफ एंड जी। दोस्तों एक बात बता दूं, ये ए और जी एक ही लेवल के लोग हैं, बी और एफ दोनों एक ही लेवल के एम्प्लॉय है, सी और ई एक ही लेवल के एम्प्लॉय है, और इन सबका हेड कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज डी। अगर कोई बात ए को डी तक पहुंचानी है तो क्या करेगा, ए पहले बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा और सी फिर डी को बोलेगा। दिस चेन इज कॉल्ड स्केलर चेन, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, और इस तरीके से वो अपनी बातों को क्या करेगा, फ्लोटेशन में लाएगा, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएगा। दोस्तों आप लोग बताओ, अभी आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने मॉनिटर को बोलते हो, राइट, मॉनिटर क्लास टीचर को बोलता है, क्लास टीचर प्रिंसिपल को बोलती है, तो क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके मार दिया और आप जाके प्रिंसिपल को बोलते हो समझा लो अपने स्टूडेंट को, निकलवा दो, नहीं तो ऐसे तो नहीं बोलते। आप पहला काम क्या करते हो, मॉनिटर को बताना, मॉनिटर किसको बोलते हैं, क्लास टीचर को, क्लास टीचर प्रिंसिपल को बोलते हैं, यानी चेन चलती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। अब क्या होता है कि कभी कभी मुझे बात जी तक पहुंचानी है, ए को बात कहां तक पहुंचानी है, जी तक, तो ए पहले बी को बोलेगा, बी सी को, फिर सी डी को, फिर डी ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा और एफ जी को, ऐसे तो बात पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्विकली डिसीजन लेने के लिए इतनी लंबी चेन फॉलो नहीं करनी पड़ती है, हम अपनी बात को डायरेक्टली किससे बोल सकते हैं, जी से बोल सकते हैं, बी अपनी बात डायरेक्टली किससे बोल सकता है, एफ से बोल सकता है, ई सी अपनी बात ई को बोल सकता है, कब, जब उन्हें जरूरत हो जल्दी से डिसीजन लेने की और उनके पास टाइम नहीं हो। तो ऐसे में जो उन्होंने स्केलर चेन का उल्लंघन किया, यानी स्केलर चेन जो उन्होंने तोड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब है कि हमने अपनी स्केलर चेन को तोड़ के अपनी ही एक नई दुनिया बना ली है, ताकि नया डिसीजन जल्दी से लिया जा सके, क्विकली, जब इमरजेंसी टाइम होता है तो हम स्केलर चेन फॉलो नहीं करते, हम अपनी बात तुरंत वहां तक पहुंचा देते हैं, जिससे बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्या मतलब है, एक एम्प्लॉई आपके यहां पर काम कर रहा है और वो हर एक महीने बाद छोड़ के चला जाता है, और ऐसे एक एम्प्लॉई, सारे एम्प्लॉई महीने दो महीने भी नहीं टिक पाते और वो काम को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब आपके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है कि एम्प्लॉई टिक नहीं पा रहा। तो ऐसे में हमें अपने मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए और इस तरीके से अपना मैनेजमेंट बनाना चाहिए जिससे एम्प्लॉई को एक ऐसा एनवायरमेंट मिले कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारी कंपनी के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि एक एम्प्लॉई जितना ज्यादा पुराना होता है वो हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट्स बन जाता है, जिसको हर चीज के बारे में पता है और वो कंपनी नब्स को पहचानता है कि कब क्या करें तो कंपनी को फायदा हो जाए। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉई है वो आपसे लंबे समय के लिए क्या रहे, जुड़ा रहे, उसकी कनेक्टिविटी आपके साथ लॉन्ग टाइम पीरियड तक हो। तो हमेशा हम चाहेंगे कि जो टेन्योर पीरियड है एम्प्लॉई का वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। अगर आपकी कंपनी का टेन्योर पीरियड बहुत कम है, यानी एम्प्लॉई ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, तो ये कंपनी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। क्लियर हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जिसे हम टेन्योर भी बोलते हैं, कुछ बुकों में टेन्योर भी लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। कमांड, जिसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि मुझे कमांड करने वाला एक इंसान होगा
बहुत सारे इंसान नहीं होगा, और अगर दो तीन लोग होंगे तो मुझे पता होगा कि वो दो तीन लोग कौन है। तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि मैनेजर ए आके मुझे बोलता है ये काम इस तरीके से करो, मैनेजर बी आके बोलता है ये काम इस तरीके से करो, मैनेजर सी आके बोलता है ये काम इस तरीके से करो। अगर मैंने मैनेजर ए की बात मान ली तो मैनेजर बी बुरा मान जाएगा, मैनेजर बी की मान ली तो मैनेजर सी बुरा मान जाएगा, ईगो प्रॉब्लम यहां पर क्लैश हो जाएगी। तो ऐसे में मेरा काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो याद रखो मुझे कौन कमांड करेगा, इसमें यूनिटी होनी चाहिए। सारे लोग कमांड नहीं करेंगे, कोई एक अकेला व्यक्ति होगा जो मुझे कमांड करेगा और उसकी कमांड को फॉलो करते हुए मैं काम करूंगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का? मतलब अगर हमने पावर, डिसीजन मेकिंग पावर एक व्यक्ति को दे रखी है या चुनिंदा व्यक्ति को दे रखी है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही कोई डिसीजन ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पूरी कंपनी का भार एक व्यक्ति या एक अथॉरिटी पर डाल दिया गया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। उसके अलावा डिसीजन कोई ले ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अथॉरिटी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे रखी है उनके अकॉर्डिंग। जैसे टॉप लेवल वालों को भी दे रखी है हमने अथॉरिटी, हमने मिडिल वालों को भी अथॉरिटी दे रखी डिसीजन लेने की, और हमने लोअर लेवल वालों को भी डिसीजन दे रखा है लेने के लिए। तो ऐसे में हमने अपनी पावर को सबऑर्डिनेट कर दिया, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है टुकड़ों में बांट दिया, अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं चीज। एक पर्सन है, वो एक पर्सन अपने अंडर में तीन लोगों को कमांड कर रहे हैं, तो इन तीन लोगों को कमांड करने वाला अकेला व्यक्ति है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मतलब इतने सारे लोगों में ये वो व्यक्ति जो हमें क्या करेगा, कमांड करेगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि एक ये जो व्यक्ति है ये अपने लेवल पे भी इन दो लोगों को डील कर सकता है, इसने अपनी पावर को इसको दे दिया और पावर को बांट दिया, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अपने अपने लेवल पे पावर्स को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एक कंपनी अगर प्योरली सेंट्रलाइज होगी तो टॉप लेवल बार बार हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए क्या होता रहेगा, टाइम वेस्ट करता रहेगा, जो खराब चीज है। अगर पावर हमने सबको बांट दी, डिसेंट्रलाइज कर दी, तो भी खराब है। हर इंसान अपने लेवल पे सोचकर डिसीजन ले लेगा जो हो सकता है कंपनी के लिए क्या हो, फायदेमंद ना हो। तो एक कंपनी कभी भी प्योरली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और प्योरली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। ये दोनों को क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ कि पावर पूरी सेंट्रलाइज भी ना हो और पावर पूरी डिसेंट्रलाइज भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। याद रखना जिस तरीके से मुझे कमांड करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए और जो मुझे पता होना चाहिए, उसी तरीके से हम सबका ऑब्जेक्टिव भी एक होना चाहिए। मेरे ऐसे हजारों एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, हम सबको पता होना चाहिए हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, हमें किस गोल को अचीव करने के लिए काम करना है, दैट्स कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कुल मिला के यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि हम सभी लोगों को डायरेक्ट करने, हम सभी लोगों की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ सोच रहा है किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए, मैं किसी और ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा हूं, ऐसे करो तो कंपनी नहीं चल पाएगी। हम सभी लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो डायरेक्शन है, वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। दोस्तों एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन यानी उसका पारिश्रमिक जो वो दिन रात करके आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, पूरा टाइम अपनी जवानी का टाइम और सुबह से शाम तक का टाइम आपको दिया, उसके मुताबिक उसको रीजनेबल वेजेस या सैलरी मिलनी चाहिए जो वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई काम कर रहा है 10,000 वाला और आप उसे दे रहे हो सैलरी 8,000, तो वो 8,000 में खुश नहीं होगा, वो आपकी कंपनी को क्या खुश करेगा अच्छा काम करके। लेकिन अगर उसके मुताबिक अगर उसे सैलरी दोगे, 10,000 का काम करता है तो 10,000 दोगे, तो ऐसे वो काम मन से करेगा। तो याद रखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय भी सही तरीके से डिसाइड किया हुआ होना चाहिए। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। याद रखना एक एम्प्लॉय के मन में एक ऐसी बात डाल दो कि अगर वो काम ध्यान से करेगा, मन लगा के करेगा, और उसकी वजह से अगर कंपनी को फायदा हुआ तो कंपनी उस फायदे का कुछ पार्ट एम्प्लॉय से शेयर करेगी, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बोनस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जंतु बोनस ये नहीं होता जो दिवाली में मिलता है उसे बोनस कहते हैं। जंतु बोनस का रियल मीनिंग क्या होता है, बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग वो होता है कि
कि जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का कुछ शेयर जो हम अपने एम्प्लॉयज में बांटते हैं दैट इज कॉल्ड बोनस। बोनस का ये मतलब होता है, और वो दिया कब जाता है? दिवाली के टाइम दिया जाता है, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। तो एक बात बताओ, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने उस प्रॉफिट का एक पार्ट एम्प्लॉयज को एज अ बोनस बांट दिया। ऐसे में एम्प्लॉय क्या रहेगा? इनिशिएट रहेगा कि भैया मैं तो और मेहनत से काम करूंगा, क्योंकि कंपनी को और फायदा हुआ, तो ये फिर मुझे और बढ़ा हुआ बोनस देंगे, मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। यानी कुल मिला के एम्प्लॉयज को खुश रखोगे तो कंपनी खुश रहेगी, और कंपनी खुश रहेगी तो एम्प्लॉय खुश रहेंगे। तो कुल मिला के बात हुई सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज ऑर्डर। याद रखो, जो ऑर्डर का मतलब यहां पर वो नहीं जो कोई ऑर्डर लेकर जाता है, वो नहीं, वो तो क्या कहलाती है, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो चीजें जिस जगह पर होनी चाहिए वो उसी जगह पर मिलनी चाहिए। अगर आप एक शोरूम के अंदर जा रहे हो कोई सामान खरीदने, तो अगर आपने कहा मुझे लोफर्स खरीदने हैं तो लोफर्स वाली शेल्फ में ही लोफर्स होने चाहिए। आपने कहा कि मुझे कोट खरीदना है तो कोट वाली शेल्फ में ही कोट होना चाहिए। आपके घर में कई सारे कबर्ड्स होते हैं, उसमें अगर आपने तरीके से मैनेज नहीं किया, ऑर्डर से चीजें नहीं रखी, कोई भी चीज कहीं भी रख दो, तो एक चीज ढूंढने पर आपको सारी शेल्फें खोलनी पड़ जाएगी, और आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और काम पर ध्यान से मन नहीं लगा पाओगे। तो हर चीज का एक अपना प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए और अपनी जगह पर होनी चाहिए, ताकि काम करते टाइम एम्प्लॉय पूरी एफिशिएंसी से उस काम को कर सके। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है जो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे, उनको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलना चाहिए एज अ इंसेंटिव। फॉर एग्जांपल, मैं जानता हूं 8 घंटे की शिफ्ट में एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से भी काम करेगा तो 100 यूनिट बना सकता है। तो नॉर्मल क्या हुआ, 100 यूनिट का प्रोडक्शन। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय 100 के 120 यूनिट बना के देता है, तो जो उसने एक्स्ट्रा 20 यूनिट बनाई है उस पर उसे एक्स्ट्रा वेजेस मिलनी चाहिए, ताकि वो और भी काम को और ज्यादा प्रोडक्टिविटी से कर पाए, क्योंकि उसे पता है ज्यादा काम करेगा तो उसे ज्यादा या एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगी। दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव्स, राइट। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर स्किल मैनेजर लेवल पे हो, चाहे वो एम्प्लॉय लेवल पे हो, उनको हर तरीके से हम क्या करके चले कि इक्वल मान के चले। चाहे मैनेजर गलती करे, चाहे एक एम्प्लॉय गलती करे, सबको सजा एक जैसी मिलनी चाहिए, सबको इंसेंटिव एक जैसा मिलना चाहिए, सबको शाबाशी एक तरीके से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी पाई जाए, कि जो बड़े लेवल का इंसान है उसको हम थोड़ा सा समझा के काम करवा दें और एम्प्लॉय उसे डांट डांट के काम करवा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट ये बात आगे मन में कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो काम ढंग से नहीं करेगा, और हमारी एम्प्लॉय ही सबसे बड़ी एसेट है, कि अगर एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करे तो कंपनी प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाएगी। तो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इक्विटी होनी चाहिए। हर चीज इक्वल रैंक से देखी जाएगी, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो, या लोअर हो, या फॉरमैन हो, जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। पता है बच्चे, पता नहीं इसको बड़े कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसमें कंफ्यूजन वाली बात कुछ है नहीं। आप ऐसा समझो कि आई को हटा के मैनेजर चाहता है वी करना। क्या मतलब है आई को हटा के वी करना चाहता है? मतलब मैं ये काम कर सकता हूं, ऐसा मत बोलो, हम ये काम कर सकते हैं ये बोलो। वो एक टीम स्पिरिट लाना चाहते हैं आपके अंदर, एक टीम तरीके से काम करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर इंडियन टीम्स में अगर कोई इंसान सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए खेलेगा तो टीम इंडिया कभी नहीं जीत पाएगी। टीम इंडिया के लिए हर किसी को मैं से हटके हम में आना पड़ेगा, एक टीम वाली स्पिरिट लानी पड़ेगी, तब हम काम को कर पाएंगे, तब हमारी इंडिया की टीम जीत पाएगी। समझ लो बात को। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? आई को रिप्लेस कर दो वी से, मैं नहीं हम। जैसे कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये नहीं, ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, ये स्पिरिट आपके अंदर लानी है। दोस्तों ये वो 14 प्रिंसिपल्स है जो हेनरी फॉयल ने बनाए थे, और मैंने यहां लिख भी दिया हेनरी फॉयल का जन्म 1841 में होता, फ्रांस में होता। तो इन्होंने ये बहुत ही रिसर्च के बाद ये प्रिंसिपल्स निकाले, और जिन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस रेट पर जाएगी। बाकी आपकी मेहनत है कि आप कितना मेहनत कितना एफर्ट लगाते हो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर। दोस्तों याद करने की ट्रिक क्या है, फिर से बताओ। डीडी ने एसएससी को सीसीडी की रसोई में पकड़ा, डीडी ने एसएससी को सीसीडी की रसोई में पकड़ा। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिसिप्लिन, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस फॉर स्केलोचेन, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, सी फॉर कमांड या यूनिटी ऑफ कमांड, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, डी फॉर डायरेक्शन, आर फॉर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, एस फॉर सबऑर्डिनेट ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर, आई फॉर इनिशिएटिव इनिशिएटिव, ई फॉर इक्विटी, ई फॉर एस्पिरिट डी कॉर्प्स। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब चीज समझ भी आ गई होगी। अगर आपको बिजनेस के नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी
डाल दो, मैं आपको नोट्स दे दूं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।